शेड होंगे वीकेबी न्यूज की दोपहर की खबरों में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजनीतिक पार्टियों की मुफ्त वाली योजनाओं पर लगेगी लगाम, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को समाधान खोजने का दिया निर्देश। महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में तेजी, शिंदे फडणवीस सरकार बनने के बाद रास्ते हुए साफ। और शिक्षक द्वारा 10 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुर्व्यवहार, कामठी पुलिस द्वारा आरोपी गिरफ्तार। विस्तार से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को मुफ्त में उपहार देने से रोकने के लिए समाधान खोजने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 3 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त उपहारों की घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च को आपत्ति जताई थी, जिस पर याचिकाकर्ता ने याचिका को वापस ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही इस नई याचिका पर विचार करने से इनकार दिया है, लेकिन राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त घोषणाओं का मामला उसके समक्ष पहले ही लंबित था। कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले भारत के लिए निराशजनक खबर सामने आई है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा चोट के कारण कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर हो गए हैं। नीरज चोपड़ा ने IOA के महासचिव राजीव मेहता को इस बारे में जानकारी दी है। नीरज को 20 दिनों के लिए आराम की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि उन्होंने हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को ऐतिहासिक सिल्वर मेडल दिलवाया था। यह वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का पहला सिल्वर मेडल था। 28 जुलाई से शुरू हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में यह भारत के लिए बड़ा झटका है। नीरज भारत की सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक है। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स में सिल्वर जीतने के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में बेस्ट देने की बात कही थी, लेकिन अब उनकी इंजरी की खबर ने सबको चौंका दिया है। इससे पहले नीरज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स में उतरने से पहले ही जांघ के दर्द की शिकायत की थी, बावजूद वह मैदान में उतरे और ऐतिहासिक सिल्वर मेडल जीता। नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री घरकुल योजना लागू की गई थी, लेकिन इस योजना का क्रियान्वयन होता नहीं दिख रहा है। इस योजना के लाभार्थियों को दूसरे चरण की सब्सिडी अभी तक दी नहीं गई है। लाभार्थियों को तुरंत अनुदान नहीं दिया गया तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इस संबंध में पूर्व संरक्षक मंत्री चंद्रशेखर मावनकुले ने अपने विभाग के माध्यम से एक माह पूर्व सभी जिलों के सरपंचों के साथ बैठक की थी। उस बैठक में मुख्य अभियंता उपाध्यक्ष महोदय उपस्थित थे। उन्होंने प्रधानमंत्री घरकुल योजना के लाभार्थी को दूसरे चरण में 40,000 रुपए देने का फैसला किया था और सरकार से अनुदान भी प्राप्त किया था। कहा गया था कि इसे हर गांव में लाभार्थियों को तुरंत दिया जाएगा, लेकिन एक महीने बाद भी अनुदान राशि लाभार्थियों के खाते में जमा नहीं की गई। नागपुर कामठी तालुका सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष मोरेश्वर कापसे ने NMRDA के तहसीलदार से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि जब अनुदान म्हाडा विभाग ने उनकी ओर रुख किया है। इस संबंध में जब म्हाडा के मुख्य आयुक्त से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले के कारण सब्सिडी वापस ली गई है। सरकार की इस गलत नीति के कारण प्रधानमंत्री घरकुल योजना के लाभार्थियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। कामठी तालुका सरपंच संगठन सभी गांवों के लाभार्थियों को अपने साथ लेकर सरपंच संघ के अध्यक्ष मोरेश्वर कापसे ने चेताया है कि कड़ा आंदोलन किया जाएगा। वीकेबी न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। या ठिकाणी बैठक लावली म्हणजे NIT ला सदर येथे त्या बैठकीमध्ये मुख्य अभियंता उपाध्याय मॅडम कातडे साहेब आणि अजून 2-4 लोक अधिकारी त्या ठिकाणी होते। त्या ठिकाणी ठरल्या गेलं का बा दुसरा जो टप्पा आहे हा टप्पा आपल्याकडे अवेलेबल आहे, त्या टप्प्याचे पैसे अवेलेबल आहे, ते ताबडतोब वाटप करण्यात यावे प्रत्येक लाभार्थ्याला। परंतु एक महिना लोटूनसुद्धा अजूनपर्यंत ते पैसे आलेले नाही, त्याचं कारण मी NMRDAचे जे तहसीलदार आहे त्यांना मी दूरध्वनीवरून संपर्क केला की अजून मी पैसे का आलेले नाही। त्यांनी सरळ सांगितले की बा पुन्हा हा पैसा शासनाच्या काही अटी शर्तीनुसार पुन्हा माळा ह्या विभागाला गेला। मी माळाशी संपर्क साधला, तिथले जे मुख्य अभियंता आहेत जाधव साहेब म्हणून त्यांना विचारणा केली का पैसा तुमच्याकडे 300 कोटी
पैसे जे आहे ते तुमच्याकडे वळती झालेले याचं कारण का बा? कारण की येतच मीटिंगमध्ये ठरलं गेलं होतं, परंतु त्यांनी सुद्धा सांगितलं का शासनाचा काहीतरी निर्देश आदेश आहे, यामुळे आम्ही तो पैसा परत घेतला. परंतु आम्ही सरपंच या ठिकाणी वारंवार त्यांना नोटीस देऊन, त्यांना पत्र देऊन, निवेदन देऊन ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या. ह्या आणि येणाऱ्या चार ते तीन महिन्यामध्ये आमचे सुद्धा इलेक्शन लागल्या गेले या ग्रामपंचायतचे, आणि त्याच्यामुळे हे लाभार्थी वारंवार रोज आम्हाला विचारायला येतात की आमच्या खात्यामध्ये अजून भी पैसा जमा झालेला नाही. महाराष्ट्र में नए शिंदे फडणवीस सरकार ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने की घोषणा की है. इसके चलते MMRDA के BKC बांद्रा कुर्ला में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक भूखंड को NHSRCA को सौंपने का प्रोसेस शुरू कर दिया है, जिसके जगह के 24 मीटर नीचे BKC स्टेशन का निर्माण होना है. उस जमीन के ऊपर जम्बो कोविड सेंटर है, यह सेंटर अब हटाया जा रहा है और करीब सितम्बर के अंत तक जमीन MMRDA को मिल जाएगी. खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. आप सभी का स्वागत. महाराष्ट्र में जहां शिवसेना राजनीतिक रूप से ठीक नहीं चल रही, वहीं निष्ठावान पदाधिकारियों की कतार शिवसेना को फिर से खड़ा करने की तैयारी कर रही है. रामटेक विधायक आशीष जायसवाल और नागपुर जिले के सांसद कृपाल तुमाने शिवसैनिकों के इस बात को पचा नहीं पा रहे कि एकनाथ शिंदे समूह में शामिल हो गए. उद्धव ठाकरे के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हुए उन्होंने शिवसेना में एकता का परिचय दिया. बैठक में नगर प्रमुख मधुमन के पाटिल ने बालासाहेब को मेरे उद्धव और आदित्य की देखभाल करने के अनुरोध को याद दिलाया, क्योंकि आपने अब तक मेरा ख्याल रखा है और उद्धव साहब के साथ ताकत बनने का आह्वान किया है और प्रत्येक पदाधिकारी को कम से कम 10 सदस्यों को जोड़ने और शुरू करने का आदेश दिया है. शिवसेना सदस्यों का पंजीकरण हो गया. सभी अलगाववादियों के मसूबों को नाकाम करने के लिए उन सभी ने मातोश्री के आदेश का ही सख्ती से पालन करने की कसम खाई. बैठक में मुख्य रूप से तालुका प्रमुख संजय अणासाणे, नगर प्रमुख मधुमन के पाटिल, वाहक बल के राजेश अग्रवाल, भाऊराव रेवतकर, प्रमोद भाऊ, दिनेश तिवारी, शिवम राजे, चंदन दत्ता, संदीप विधाले,
राघोजी नागलवाड़े, प्रदीप रोकाड़े, उमेश महाजन उपस्थित थे। वैभव राजे, आकाश बोंडले, रवि अजित, गुलशन शेंडे, कमल ताइडे आदि शिवसेना के पदाधिकारी मौजूद थे। वीकेबी न्यूज के लिए वाड़ी से विलास माडेकर की रिपोर्ट। जनसंपर्क कार्यालय में रामटेक तालुका के मानसर ग्राम पंचायत के तहत लाभार्थी को परिवार के भरण पोषण के लिए पूर्व मंत्री और नागपुर जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र मूलक के माध्यम से लाभार्थियों को सिलाई मशीन वितरित की गई, जिसका उद्देश्य निराश्रित महिलाओं को सशक्त बनाना है। कोरोना के कारण पति स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बने, इस अवसर पर नागपुर जिला ग्रामीण अल्पसंख्यक संभाग के अध्यक्ष असलम शेख, तालुका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैलाश राउत, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व पार्षद दामोदर धोपटे, नगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भाईसारे, तुलाराम मेंधे, बबलू दुधबरवे, नीलकंठ महाजन, राहुल कोठेकर और अन्य पदाधिकारी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। राजेंद्र मूलक ने कहा कि वह इस सामाजिक गतिविधि को कोरोना काल में बेसहारा हुई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लागू कर रहे हैं। इस मौके पर महिलाओं ने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए पूर्व मंत्री राजेंद्र मूलक का आभार जताया। स्थानीय न्यू कामठी थाना क्षेत्र के शेख बंकर कॉलोनी इलाके में एक मदरसे में कुरान पढ़ने गए 10 वर्षीय नाबालिग को मदरसे में पढ़ने वाले शिक्षक ने अप्राकृतिक प्रताड़ना दी और उसके बाद अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो जान से मारने की धमकी देने की घटना सामने आई है। इस संबंध में बंकर कॉलोनी निवासी 10 वर्षीय बालक द्वारा स्थानीय नवीन कामठी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर आरोपी को हिरासत में लेकर आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार शिक्षक आरोपी का नाम जुनेद हाफिज मास्टर है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जब 10 वर्षीय बालक को धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से शेख बंकर कॉलोनी के मस्जिद मदरसे में कुरान सीखने के लिए भेजा गया तो आरोपी शिक्षक ने कक्षा के बाद लड़के को रोक लिया और उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया और इसके बारे में किसी को भी पता चला तो जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की हालत बिगड़ने पर घटना का पता चला और उसका इलाज निजी अस्पताल में कराया गया। इस संबंध में 10 वर्षीय बालक पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच की जा रही है। वीकेबी न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। सदर प्रकरणामध्ये लाइफलाइन हॉस्पिटल कामठी या ठिकाणावरून एमएलसी प्राप्त झाली, ज्यामध्ये एका अल्पवयीन मुलाविरुद्ध सेक्सुअल असॉल्ट झालेला आहे अशी माहिती प्राप्त झालेली होती। त्या अनुषंगाने यातील जो पीडित अल्पवयीन मुलगा आहे याला विचारपूस करण्यात आली आणि त्यांच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। सदर मुलाचे वडील यांनी पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली की त्यांचा मुलगा वय वर्ष 10 हा डॉक्टर शेख बुनकर कॉलनी मस्जिद मदरसा या ठिकाणी मागील 2 महिन्यापासून कुराणचे शिक्षण घेण्याकरिता जातो आणि तो काल दिनांक 23/7/2022 रोजी दुपारी 2 वाजता मदरशामध्ये मदरसा क्लासकरिता गेलेला होता। सदरचा क्लास संपल्यानंतर 3 वाजायच्या सुमारास मदरशामध्ये शिक्षण शिकविणारे जुनेद हाफिज मास्टर यांनी पीडित मुलाला थांबण्यास सांगितलं आणि क्लासमधील इतर मुलं निघून गेल्यानंतर त्या पीडित मुलाचे मुलाशी त्यांनी अनैसर्गिक कृत्य केलेलं आहे म्हणून या प्रकरणामध्ये भादवी कलम 377 आणि बालकाच्या लैंगिक अत्याचारापासून प्रतिबंधात्मक कायदा कलम 4 आणि 6 अन्वये कामठी पोलीस स्टेशन या ठिकाणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। सदर गुन्ह्यामधील आरोपी यांचा तत्काळ शोध घेऊन त्यांना गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेली आहे। आज रोजी आरोपीला माननीय न्यायालयासमक्ष पेश करण्यात येऊन पुढील तपास सुरू आहे। गोंदिया स्थानीय विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर कृष्णापुरा वार्ड में नामदेव महाराज की 672वीं पुण्यतिथि भारी उत्साह के साथ मनाई गई। सर्वप्रथम नामदेव महाराज इनकी पालकी निकाली गई, तत्पश्चात महाराज द्वारा कीर्तन का आयोजन किया, दहीहंडी कार्यक्रम मनाकर गोपालकाला आरती और समाज प्रबोधन किया गया। इस वक्त 10वीं और 12वीं की प्रवीण प्राप्त विद्यार्थियों का सत्कार भी किया गया। तो वीकेबी न्यूज की दोपहर की खबरों में अब बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।